ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। संस्कारक ढांचा मिलते जुलते संस्कारों की तरफ ही जाता है, उंज नहीं जाता। उसे गर्भ में प्रवेश करेगा वो संस्कारक ढांचा जिस मां के संस्कार उस नाल मेल खाते हैं। इस वास्ते सारे एशिया में अगर बच्चा छोटा बहुत बैड़ा है, गाला मावां नूं ही पैंदियां, और किसे नूं पैंदियां? मावां नूं ही पैंदियां। इन्ने गंदे संस्कारां दा बच्चा ते तेरे इतने गंदे संस्कार, इन्हों मैं बहुता नाल मकाव। जिहड़ी मूल गल है मैं कहां, 90% निर्मल है, 10% मलीन है। देवता अस्थूल शरीर जांदा रहा नहीं रहा, नहीं तो शायद वो 10% जिहड़ी मैल रह गई सी उहनों भी धो देंदा, पूर्ण पवित्र हो जाता। पर स्थूल शरीर अगे साथ नहीं दे सके। इस तरह के शरीर को संस्कारक शरीर को देवता कहते हैं, दूजे को भूत प्रेत कहते हैं। ये भूत प्रेत मिलनगे शराबखानिया, जुएखानिया, विभिचार के अड्डिया, दुराचार के अड्डिया, और अक्सर इन्हों का संबंध भी रात की तारीकी नाल बनता है, दिन के उजाले नाल नहीं बनता। ये रात नूं ही ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, दिन नूं नहीं। वो जो 90% पावन ने, पवित्र ने, ये अमृत वेले जागते ही नहीं। अमृत वेला इन्हों जगा देंदे, इन्हों का सुभाव ही ऐसा होया। अमृत वेला जाग पै, कोई अलार्म लाए होंगे ना पंछियों ने, आपे जाग पैंदे, कोई जगांदा बना, बस अमृत वेला होया जाग पै। क्योंकि 90% ते जागियां हुई आत्मावां ने, ते जागे हुए ने, इन्हां दा दिन दे उजाले नाल संबंध जुड़ता है। ये फिर सत्संग दे चाहुंदे ने। इतनी लंबी चौड़ी जो मैं थानू विचार सुना रहा, 2 साल तो मेरे नाल घटना घटी है। सियाटल आ गुरमीत सिंह उत्थे बहुत रहा है, अमेरिका का एक शहर है सियाटल, आ जिथे सारे जहाज बनते हैं उत्थे ही बनते हैं, बोइंग कंपनी उत्थे ही है। और शहर मशहूर शहर है, वड्डा शहर है, खूबसूरत शहर है। दास का हर साल उत्थे 10 दिन का पुराण होता है, ते मेरे नाल होंदे ने अक्सर उत्थे ज्ञानी बलविंदर सिंह जी, 2-3 महीने इत्थे होंदे ने, हैन कनेडा निवासी पर 3 महीने लई इत्थे आ जांदे ने, दसंबर तो लैके गालबन फरवरी मार्च तक रहिंदे ने, अलवर दे समागम तो बाद वापस चले जांदे। पर अमेरिका के सारे दिन मेरे नाल ही रहने, कनेडा अमेरिका। उन्होंने एक सज्जन ने कहा कि मस्कीन के पिछे 2 बंदे कौन बैठे ने, कि ज्ञानी बलविंदर सिंह ने कहा तो कल्ले ही बैठे ने स्टेज पे, तो कोई होर नहीं है। उस स्टेज जिस ढंग की बनी हुई है, पर 3 रागी सिंह बैठ सकते हैं या एक कथावाच, तो कल्ले बैठे हैं। विचकार महाराज का पालक प्रकाश है, इस पास छोटी जी स्टेज है। ज्ञानी बलविंदर सिंह कहने लगे, किधरे थोड़ी अखां च कोई खराबी तो नहीं है?
ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਖੀ ਵੀ ਜਾਣ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਪਦੀਆਂ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਦੀ ਲਿਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਨਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਭਾਣਾ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਦ ਕੀ ਕਿਧਰੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਬਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਆਗਾਧ ਬੋਧ ਬੈਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੀਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਿਮੇ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਜੋ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, 90-95% ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਐਸੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਤਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਤੇ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਅਨੁਭਵ ਵਧਿਆ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 60-70% ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੂਕਸ਼ਮ। ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਪਰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨਾ ਆਖੋ, ਇੰਜ ਆਖੋ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ,
कि चलो हर भगत नु हनुमान कह दईए ते कोई हर्ज नहीं, हर राम दे भगत हनुमान वर्गे ते होंगे, इन कह सकते हनुमान तो फिर कबूल कर लो भटक रहा है अजय भी मुक्त नहीं होया। हां मन सकते हैं मर्यादा प्रशोधन श्री राम नु चाण वाले प्यार करण वाले शुभ दृष्टि रखण वाले अपना ढांचा पूरा पवित्र नहीं कर सके होंगे, थोड़ी बहुत मैल रह गई होगी। मैल थोड़ी बहुत भी है वो दे ले भी दरवाजे बंद ने। मैं फिर अर्ज करा दाग दोष मो चलिया लाए गर्गे बैसन नाही, पूरा पवित्र हो गया, पूरा शुद्ध हो गया, पूरा निर्मल हो गया। तन दी मैल है गर्दो बवार, सूक्ष्म शरीर दी मैल है गलत विचार गलत सोचनी गलत संस्कार अंदर पैने अंदर हर गलत थान देते ये भूत प्रेत होंगे ने। भूत प्रेत तो मुराद कुछ भी नहीं, गलत संस्कार पशुआ की तरह जो जीवे, पशु कहते ने जो पास बजे हुए जो पछड़े हुए जो पिछे ने, ते भूत दे अर्थ की ने गुजरे आया पिछला समा भूत का हैं ते मनुख करतूत पशुआं दे भाई अदो कि पशुआं नूं ते पिछे छड आयो, मनुखां वाले कम करो बंदियां वाले कम करो, मनु पशुआं नूं ते पिछे छोड़ आया। मनुख हो के पशुआं वाले कम कर रहे है ये पछड़े आया पिछे ये पिछे चला गया। इस तरह दे सूक्ष्म शरीर भी भटकते ने, निर्मल शरीर भी भटकते ने, मलिन शरीरां नूं भूत प्रेत कहिंदे ने, निर्मल शरीरां नूं देवता कहिंदे। इस अस्थूल शरीर विच भी जिसका 90% संस्कारक ढांचा पवित्र हो गया है इहनूं मनुख कहना नहीं चाहीदा, ये देवता है फरिश्ता है ये रब दे नेड़े देव। इसे ही स्थूल शरीर विच जिस मनुख का 90% ढांचा संस्कारक मैल है मलिन है इनू भी मनुख नहीं कहना चाहिए भूत प्रेत है पशु है पशु है। चलो हुण कबीर तो सुन लो, कबीर कहने ने कबीर जै घर साध न सेविए, हर की सेवा नाए ते घर मरहट सारखे, भूत बसे ते न मारे। जिथे अमृत वेले का उठना नहीं, प्रभु दे नाम का जप नहीं, सतसंग नहीं, ते कबीर कहिंदे ने उस घर नू घर कहण दी की लोड़ है, शमशान घाट है, ते रहण वालियां नू मनुख कहण दी की लोड़ है, भूत प्रेत है, भूत प्रेत। कबीर जै घर साधन सेविए, हर की सेवा नाए ते घर मरहट सार थे, भूत बसे ते न माए। पता नहीं कितने मिलते ने कहते ने ज्ञानी जी ज्यों सवेरे तो कलेश शुरू होता है घर दे, रात तक कलेश ही चलता है, किवें जान छुड़ाई। ते घर मरहट सार के भूत बसे ते न माए। सूक्ष्म शरीर मैला किस तरह होता है, मैले कर्म नाल, मैले कर्म मैले संस्कार बना देंदे ने। संस्कार बहुत मैले होंदे गए तो दृष्टि दोख हो जाती है, दोख दृष्ट हर पासे बुरे ही बुरे दिखाई देंदे, दुष्ट ही दुष्ट दिखाई देंदे ने सज्जन ने।